इस वीडियो पर इसलिए आए हैं कि आपको यह पता लग जाए कि आपको सूरज एस्टेट्स के आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। देखिए, आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी चाहिए, बट अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं तो इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं, और शायद आपको भी यही करना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको सूरज एस्टेट्स के आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरनेट पर कई सारे लोग बोल रहे होंगे कि भाई ठीक है, आप इसमें पैसा लगा सकते हो, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और आज मैं आपको इस आईपीओ के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। पहले तो एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम जान लेते हैं। देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ का जो चल रहा है वो चल रहा है 18% के आसपास का। अब 18% का अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको यहाँ पर क्या क्या लिखी हुई हैं। आप अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, 360 रुपये के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से 41 का लॉट साइज़ है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 14,760 रुपीज़ की। इस पर आपको लगभग 2600 रुपये का बेनिफिट मिल सकता है। अब आप कहोगे कि 2600 रुपये का बेनिफिट अगर मिल सकता है तो मैं क्यों अप्लाई नहीं करना चाहिए? भाई 18% भी कौन सा बुरा होता है? अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 18% चल रहा है, और जैसे मैं बोलता हूँ कि 70% चांसेस होते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आपको लिस्टिंग मिल सकती है अच्छी, तो यहाँ पर मैं क्यों मना कर रहा हूँ? उसका पहला पॉइंट ये है कि अभी इस वक्त आईपीओ मार्केट में बहुत सारे आईपीओज हैं, तो आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसे चूज़ कर सकते हो। अगर सिर्फ यही आईपीओ होता तो शायद हम इसके ऊपर बात करते, बट फिर देखो पॉजिटिव सब डिस्कस करते हैं, पहले मैं नेगेटिव डिस्कस कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर वन, इसका डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, 8.31 का है, जो कि मेरे हिसाब से एक नेगेटिव फैक्टर है। कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा लोन्स हैं। अब एक रियल एस्टेट कंपनी जिसके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा होते हैं, भाई मैं उस कंपनी को अभी शॉर्ट टर्म छोड़ो लॉन्ग टर्म छोड़ो किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं समझता। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट में क्या होता है ना, पैसा स्ट्रक हो जाता है। एक डेवलपर ने एक प्रोजेक्ट खड़ा किया और उसका माल नहीं बिका तो क्या होगा? अगर माल नहीं बिका तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो लोन तो चलता रहेगा ना, इंटरेस्ट तो चलता रहेगा ना। ये एक नेगेटिव सिनेरियो और बहुत बड़ा नेगेटिव है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं इसे अवॉइड कर रहा हूं, बाकी चॉइस आपकी है। पॉइंट नंबर टू, पी रेशियो भी मैं जो देख रहा हूं 35.64 का है, जो कि एक हायर साइड में एक वैल्यूएशन जो ये मांग रहे हैं ना, ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। पॉइंट आपको अगर समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया, कि भाई आप जो पैसा लगा रहे हो एक हायर पीई के हिसाब से लगा रहे हो, तो आप 1 रुपया कमाने के लिए आज के डेट में 35 रुपये लगा रहे हो। आपको इंटरनेट पे लोग बोलेंगे कि भाई 42 प्रोजेक्ट से कंप्लीट कर चुके हैं, 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पर अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा 216 अभी इनके पास ऐसी यूनिट्स हैं, मतलब ऐसे रियल एस्टेट हैं जो इन्होंने अभी तक बेचे नहीं है, जो अनसोल्ड है। उनसे पैसा आएगा, कुछ पैसा रिकवर होगा, बट अगर वो नहीं बिके या लेट हुआ तो अगेन जो मैंने आपको बताया कि भाई इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। आगे आप समझते हैं कि भाई आपके पैसे से डेफिनेटली कंपनी क्या करने वाली है। कंपनी सबसे पहले तो लोन्स की रीपेमेंट करने वाली है, क्योंकि लोन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पॉइंट नंबर टू, ये और भी लैंड एक्वायर करना चाहते हैं, जो आप पैसे इन्वेस्ट करने वाले, जो आईपीओ से रेस करने वाले हैं, उससे ये दो मेजर काम होने वाले, एक तो लोन्स की रीपेमेंट होने वाली है, दूसरा नई लैंड एक्वायर करने वाली है कंपनी। तो रेवेन्यू अगर हम देखें, 2021 में 240 करोड़ का था, 2022 में 273 करोड़ का था, और 306 करोड़ का था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एसेट्स, 792 करोड़, 864 करोड़, 943 करोड़, प्रॉफिट 6 करोड़ से 27 करोड़ और फिर 32 करोड़ पहुँच गया। प्रॉफिट्स भी अगर आप देखेंगे एज पर द डेट दे हैव टेकन, इट इज़ नॉट टू मच। मतलब ऐसा नहीं है कि 32 करोड़ का प्रॉफिट में हम बोले कि यहाँ पर यह कंपनी आपसे डिमांड कर रही है 400 करोड़ रुपया। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, मतलब ये नहीं है कि मैंने मना कर दिया तो आप नहीं लीजिए। हो सकता है आपको लिस्टिंग मिल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेंगे, बट आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं, तो आप उन ऑप्शंस को देखिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव्स क्या हैं। चलिए अभी डेट्स को डिस्कस करते हैं कि 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक आईपीओ आपके लिए ओपन है। प्राइस रेंज जो रहेगा वो 340 से 360 रहेगा। सब्सक्रिप्शन तो मेरे हिसाब से आ ही जाएगा, मार्केट क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में है, बुल मार्केट चल रहा है तो लोग पैसे लगाएंगे, और मुझे लगता है फिर भी सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। लॉट साइज 41 का है। आप यहाँ पर देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट आती है 13,940 रुपये, और जैसे कि हमने बताया कि अगर आप अपर प्राइस बैंड के हिसाब से देखें, 360 रुपये के हिसाब से देखें, तो 14,760, मतलब 14,760 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने होंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आ जाएगा तो आप ये वाला 340 रुपये का प्राइस नहीं ले सकते, आपको अपर प्राइस बैंड ही लेना पड़ेगा। इशू साइज 400 करोड़ का है, 400 करोड़ का कंपनी क्या करने वाली मैंने आपको बता दिया। अगर आप देखेंगे अलॉटमेंट डेट 21 की अलॉटमेंट है, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स हो जाएंगे 22 तारीख को, लिस्टिंग होगी 26 तारीख को, और रिफंड आ जाएगा जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी 22 तारीख को। अब यहाँ पर
अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं आपके कंपैरेटिवली टू अदर आईपीओस, क्योंकि और आईपीओस के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा जाएगा तो आपके चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। तो बाकी आईपीओस के लिए आप घर के मल्टीपल लोगों के डीमैट अकाउंट से अप्लाई कीजिएगा तो वहां पर आपको फायदा मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। आप फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं जिससे आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, आईपीओस के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो अपने म्यूचुअल फंड्स की भी एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सबके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। फ्री में जाके आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर टू, आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं, तो डू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। फाइनली इस आईपीओ के अंदर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं बिकॉज मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं, आपके पास भी ऑप्शंस बहुत हैं। आप अपनी एनालिसिस के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आप सारे आईपीओ में ट्राई करना चाहते हैं यू कैन डू इट, बट आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं आप प्लीज अपना कमेंट जरूर नीचे लिखिएगा कि अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, और अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे और लोगों को भी अवेयरनेस मिलेगी। अब एक चीज यहां पर ये है कि यार देखो ये वर्क कहां कर रही है सूरज कंपनी, जो सूरज एस्टेट है ये मुंबई के सेंट्रल साउथ रीजन में अपनी डेवलपमेंट्स करती है। अब क्या है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा सेंट्रिक होती है, अब मान लीजिए कोई कंपनी सिर्फ उड़ीसा में एक ऐसी जगह पर कर रही है जहाँ पे मतलब तूफान बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से काफ़ी टाइम तक बिजनेस हैम्पर हो सकता है। मुंबई के अंदर भी आपको पता है भी फ्लड जैसी सिचुएशन बन जाती है रेनी सीजन के अंदर, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा सेंट्रिक हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया, बट जरूरी नहीं कि आप मेरे ओपिनियन के हिसाब से चलिए। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लीजिए। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज आप मिस ना करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।